हेलो भाई लोग, स्वागत है तुम लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ अजीत और तुम लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अजीत। और भाई लोग, आज है हमारा 365 डे चैलेंज का डे 100। भाई लोग, फाइनली आज 100 डेज कंप्लीट हो गया और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ 100 डेज कम्प्लीट होने पर। भाई लोग, बहुत अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है। मतलब मैं डे 1 से स्टार्ट किया था और आज डे 100 कंप्लीट हो गया है, तो अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ी बात है 100 डेज कंप्लीट होना। और भाई लोग, आज के दिन तो यार बहुत मौज मस्ती और बहुत बहुत से कुछ होने चाहिए, लेकिन यार आज के दिन मौज मस्ती नहीं करूँगा मैं। मौज मस्ती करूँगा संडे को। और भाई लोग, इस संडे को बहुत ही तगड़ा वाला सेलिब्रेशन होगा। इस 100 डेज कंप्लीट होने पे सेलिब्रेशन बहुत ही भयंकर वाला मैं करने वाला हूँ। मतलब ये समझो केक वेक कटेगा और पूरा पार्टी शार्टी सब कुछ होगा। तो भाई लोग, तुम लोग इस संडे को रेडी रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और भाई लोग, फिलहाल आज का जो मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है, ये देखो ये आज का मौसम जो कि बहुत ही बढ़िया हवा चल रहा है। ये देखो, हवा से पूरा कपड़ा हिल रहा है, बहुत बढ़िया मौसम। भाई लोग, मैं चलता हूँ अंदर। और भाई लोग, इन 100 डेज में भले ही हजारों लाखों करोड़ों व्यूज ना आए मेरे वीडियोस में, लेकिन कम से कम 15-20 व्यूज तो आने लगे हैं। अगर मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ तो उसमें 15-20 व्यूज आ ही जाते हैं आराम से। तो भाई लोग, वो 15-20 लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं और देखते हैं मेरे वीडियोस को और कमेंट भी करते हैं कुछ लोग। हालांकि सब लोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं। और बस यही है, 100 डेज मैंने 15-20 व्यूवर्स इकट्ठा कर लिए हैं और इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मैं और मेहनत करूँगा और अच्छे से वीडियोस बनाऊँगा जो ताकि तुम लोग को अच्छा लगे और मेरे वीडियोस में थोड़ा अच्छा खासा व्यूज आए। तो बस तुम लोग का थोड़ा सा हेल्प चाहिए। तो भाई लोग, तुम लोग सपोर्ट करो यार अपने छोटे भाई को। मैं तुम लोग का छोटा या बड़ा जो भी मान लो, मैं तुम लोग का भाई हूँ यार। तो सपोर्ट करो, हेल्प करो मेरी। मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक अच्छा खासा फैमिली बनाऊँ और तुम लोगों से मैं बातचीत करूँ और तुम लोगों को मैं प्रयागराज का सारे अच्छे अच्छे लोकेशन दिखा सकूँ और प्रयागराज क्या उसके बाहर भी जा कर दिखाऊँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँ जो तुम लोग कहो मैं तुम लोग को वो दिखाऊँ, लाइक दुबई, मुंबई, दिल्ली, सारा कुछ दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। लेकिन क्या है ना, अभी थोड़ा सा दिक्कत है बजट का। तो वही है, तुम लोग थोड़ा हेल्प करो तो भी सब वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो भाई लोग बने रहना इस वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और भाई लोग, अगर तुम लोग मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो कर देना एक लाइक। और तुम लोग को मेरा वीडियोज़ कैसा लगता है तो या फिर ये वीडियोस या फिर मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोगों को कैसा लग रहा है तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर से बताना और अपने फ्रेंड पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो भाई लोग अब मेरे खाना खाने के टाइम हो गया तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और पहले तो आप लोग टाइम देख लो, ये देखो अभी टाइम हुआ है 9:20। इसका मतलब मेरे खाना खाने टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ खाना खाने। और भाई लोग, आज मेरे खाना बना हुआ है सब्जी और रोटी, ये देखो। और भाई लोग, सब्जी बना हुआ है बैंगन और आलू की मसालेदार सब्जी, देखो कितना ज़्यादा मसाला है, ये रोटी। तो भाई लोग, मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद। और भाई लोग, खाना पीना खा के मैं हो गया हूँ रेडी। रुमाल बाकी है, रुमाल मैं दे देता हूँ, ये रखा है रुमाल, ये बात। अब हो गया हूँ मैं एकदम से रेडी और मैं चल रहा हूँ ऑफिस, तो चलो चलते हैं।
हवाले में पहुँच चुका हूँ ऑफिस, और ऑफिस मेरा बंद है और ऑफिस आज मैं खोलूँगा, क्योंकि युवराज भैया आए थे, वो देखो वो जा रहे हैं उधर, तो युवराज भैया आए थे और मुझको ये चाबी दे दी है, तो मैं जा रहा हूँ उसको खोलने। हवा लोग ऑफिस को मैंने खोल दिया है, ये देखो मेरा ऑफिस है। अब यहाँ से होगा लाइट्स ऑन, ये देखो, और ये देखो इस तरफ है मशीन रूम, ये देखो अंधेरा है ना, अब देखो लाइट जलेगा पूरा, देखो माता। तो भाई लोग मैं मिलता हूँ यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद। हमारे साफ़ सफाई पूरा खूब अच्छी तरीके से हो गया है, और मैं हूँ ऑफिस रूम में, और हमारा युवराज भैया है वो भी आ चुके हैं, वो देखो वो बैठे हैं, युवराज भैया उनके पास हाथ होता ये नहीं, वो हाथ तो नहीं ला सकते खत्म आदमी है युवराज भैया एकदम से। और भाई लोग अभी जब प्रिंट निकलेगा तो मैं तुम लोग को दिखाऊँगा मशीन से प्रिंट कैसे निकलेगा। और भाई लोग कुछ देर बाद मशीन हमारा चालू हो गया है, ये देखो ये हमारा मशीन है फ्लेक्स प्रिंटिंग का, जो कि चालू हो गया है, ये देखो ये भी हो रहा है, ये भी डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसमें प्रिंट निकलेगा, ये देखो इस मीडिया पे, ये हमारा 10 लीटर डी स्टार, ये है मशीन का हेड। तो भाई लोग अभी वो पूरा कंप्यूट हो जाएगा, उसके बाद निकलेगा प्रिंट, तो प्रिंट निकलेगा तब मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। और भाई लोग हमारा मशीन प्रिंट निकालना चालू कर दिया है, ये देखो ये वाला प्रिंट जो है जिम वाले का है, ये देखो ये देखो भाई लोग कितना शानदार तरीके से निकाल रहा है प्रिंट, एकदम क्लियर, क्या रहा भैया क्वालिटी एक नंबर का है, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा नीचे ध्यान दीजिएगा सर, ये देखो भाई लोग नीचे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो भाई लोग इसी तरह प्रिंट निकलता रहता है, और हम लोग खड़े रहते हैं जब निकल जाता है कटिंग करके फोल्ड करके रख देते हैं, बस यही सब वर्क है। और यहाँ पर देखो एसी लगा है, एसी हमारा चल रहा है, ये देखो ये ऑन, और भाई लोग बहुत ही ठंडा ठंडा हवा दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर एक नंबर का हवा चल रहा है,